हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज्वेलरी, कुछ लेटेस्ट ज्वेलरी जो कि थोड़ी हैवी है वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में, साड़ी के साथ, लहंगे के साथ। इनफैक्ट ये वाली ज्वेलरी भी आप देख सकते हो, ये स्टेटमेंट पीस है। इस तरह की ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और कुछ अमेजन से हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से हैं, कुछ पर्पल से हैं, और सभी ना मतलब जो भी ज्वेलरी है सारे सभी वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं। तो जो भी लिंक मुझे मिलेगी वो तो मैं आपके दे दूंगी, पर आप ब्रांड नेम ना सर्च कर लेना अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे, 80% तक ऑफ रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये वाली ज्वेलरी मैंने आपको अपने फ्लिपकार्ट की साड़ी हॉल में भी दिखाया था। और गाइज, मैं आपको साड़ी की ही लिंक देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बोलती भी हूँ कि सारी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो किन्हीं किन्हीं लोगों को नहीं पता होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है, तो जस्ट आप वीडियो के नीचे वाले एरो को क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगी। वहाँ पर सारे प्रोडक्ट की लिंक विथ नेम आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे तो आप सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट पर पहुँच जाओगे। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि लिंक दे दीजिए, लिंक दे दीजिए, तो लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फर्स्ट जो ज्वेलरी है वो है ब्रांड कैरेट कार्ट से, एंड ये बहुत ही खूबसूरत सी कुंदन की चोकर है जो कि ब्लू कलर में है। ये आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी मैं वेयर कर चुकी हूँ साड़ी हॉल में अपने, एंड ये कुछ इस तरह की दिखती है, बहुत ही खूबसूरत है, क्वालिटी अमेजिंग है। इसमें जो कुंदन यूज़ किए गए हैं बहुत ही चमकदार हैं। ये आप देख सकते हो, इसकी साइन काफ़ी ज़्यादा साइनी है, डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग है। इसमें जो ये मोती लगाए हुए हैं ब्लू कलर के, इसे आप ब्लू कलर की साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड इसमें जो आपको इयररिंग्स मिलती है वो कुछ इस तरह की है, झुमका स्टाइल में है, साथ में इसके मांग टीका भी जो है सेम इसी तरह की झुमका स्टाइल में है। तो ये हो गए इसके इयररिंग्स एंड मांग टीका का सेट, पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगती है। मुझे ये वाली सेट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसे मैंने ब्लू कलर की साड़ी के साथ पहना था। इमेज यहाँ पे आपको लगा दूंगी, आप देख सकते हो। सेकेंड जो ज्वेलरी है वो है अमेजन से। तो गाइज, ये वाली जो सेट मैंने मंगाई तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे कि आपने गोल्ड की सेट पहनी हुई है, बिल्कुल गोल्ड के जैसी है। क्वालिटी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल गोल्ड के सेट की जैसी लगती है। क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें इयररिंग्स जो दिए गए हैं वो भी गोल्ड के डिज़ाइन के हैं, एंड इसके साइन वगैरह, मटेरियल वगैरह बिल्कुल ऐसा है जैसे लगेगा कि आपने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है। 500 के अंदर ये भी आपको 500 के अंदर मिलेगी, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। सो, यदि आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनना चाहते हो या फिर वहाँ पर सेफ़ नहीं है और आपके पास, या फिर है नहीं आपके पास उस टाइम पर अवेलेबल, आप पहनना चाहते हो तो इस तरह की ज्वेलरी आप ऑप्शन में रख सकते हो। इसे गोल्ड का भी लुक आ जाता है, और आपकी यदि ज्वेलरी किसी वजह से गुम भी हो गई, चोरी भी हो गई, तो भी आपको ज़्यादा अफसोस नहीं होगी। तो ये है सेकेंड ज्वेलरी। थर्ड जो ज्वेलरी है गाइज, वह है ब्रांड सुखी से, एंड ये ये इस तरह की टू लेयर वाली हार है, आप देख सकते हो। ये भी बहुत ही प्यारी लगती है पहनने पे, बिल्कुल जो साउथ इंडियन लोग होते हैं ना उनके पास इस तरह के रियल गोल्ड के हार बहुत ही होते हैं। मैं हमेशा देखती हूँ, कहीं भी मॉल वॉल भी जाती हूँ तो वो इस तरह के हार पहन के आते हैं, क्योंकि इन लोगों में ट्रेडिशन है कि ये लोग गोल्ड बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो इस तरह की गोल्ड में आपको टू सेट मिल जाएगी इस तरह से, तो काफ़ी प्रिटी लगती है, काफ़ी रॉयल एंड हैवी लुक देती है। एंड साथ ही इसमें मिल जाएंगे आपको दो झुमके, इस तरह के दो प्यारे प्यारे झुमके भी मिल जाएंगे। तो झुमके छोटे छोटे हैं, बट इसकी जो हार है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये भी लगेगा कि आपने मतलब गोल्ड को यदि आप नहीं पहनना चाहते हो तो आप इसे पहन सकते हो, बिल्कुल गोल्ड की जैसी ही लगेगी। सेकेंड मैंने इस वाले बॉक्स में रखा हुआ है एक ज्वेलरी, इसकी पैकेट अन्य इसके बॉक्स टूट गई थी मुझसे। ये है ब्रांड रूबन से, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव लगी मुझे, फिर भी यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरह की है, इसमें मिरर बने हुए पूरे, इस तरह चोकर सेट है, पहनने पे बहुत ही अमेजिंग लगेगी। एंड बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि ये दोनों साइड से पहने जा सकती है। ये आप देख सकते हो, इस साइड से भी आप इसे वेयर कर सकते हो इस तरह से, इस साइड में कलरफुल है एंड इस साइड में इस तरह से मिरर वर्क है, तो ये दोनों ही साइड से पहना जा सकता है, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हाई है। क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। इसमें साथ में आपको मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत से दो इयररिंग्स। इयररिंग तो दोनों साइड से नहीं पहना जा सकता है, पर इयररिंग में भी दोनों साइड सेम डिज़ाइन है, इस तरह के इयररिंग्स मिलते हैं। तो ये वाली सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यदि आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो सेट है गाइज, वो ग्रीन कलर में है, और ये मुझे
मतलब मैंने नहीं परचेस किया है, ये मुझे सेंड किया गया है। एक मिनट, ये कुछ इस तरह की आएगी, ग्रीन कलर की पूरे मोती हैं, बीच में इस तरह की क्या बोलते हैं इसे, लॉकेट लगाई गई है, पेंडेंट लगाई गई है इस तरह से, जो कि यहाँ पे आएगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। एंड साथ में आपको दो बड़े बड़े इयररिंग्स मिलते हैं, इस तरह के दो बड़े बड़े इयररिंग्स मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये पूरी ग्रीन कलर में है, और ग्रीन कलर आप मरून कलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे कलर। गाइस, ये ग्रीन वाली सेट भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है पहनने पे, इसे भी मैंने ट्राई किया हुआ है एक साड़ी के साथ, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यदि आपको लाइटिंग बहुत अजीब सी लग रही है तो आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, मेरे आगे बालकोनी है, और बालकोनी में जो ग्रीन लगे हुए हैं ना, उसकी लाइटिंग और उसकी शेडो की वजह से इस तरह से दिख रही है, जिस तरह से आपको पीछे दिख रही होगी। धूप भी है और साथ में ग्रीन की जो शेडो है वो भी है, सो इस वजह से जो लाइटिंग है, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम है तो इस वजह से लाइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है। तो ये होगी हमारी ग्रीन कलर की सेट। एंड अब जो है मेरी फेवरेट, ये सेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। एंड यदि अभी आप ज्वेलरी शॉप में भी जाओगे ना, तो आपको इस तरह के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ये थोड़ी उलझ गई है। सो गाइस, देख सकते हो आप, इस तरह की फाइव लेयर वाली सेट है, जो बिल्कुल लगती है गोल्ड की डिज़ाइन है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई हुई है दोनों ही साइड में, इस तरह से आपको पूरी डिज़ाइन आएगी ये, और बहुत ही खूबसूरत लगती है साड़ीज़ के साथ। साउथ इंडियंस खास करके यदि आप सिल्क साड़ी पहन रहे हो, साउथ इंडियन साड़ी पहन रहे हो, तो उनके साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है। ये वाली सेट मेरी पर्सनल फेवरेट है, आप ज़रूर से ज़रूर इसमें ट्राई कर सकते हो। 80% तक इसमें आपको ऑफ मिल जाएगी, और मुझे ये रियली में बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ में आपको इयररिंग्स भी मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे डिजाइन है जैसे गोल्ड की डिजाइन होती है, इस तरह के आपको यहाँ पे इयररिंग्स मिल जाएंगे। इयररिंग्स भी काफी लंबे लंबे हैं और काफी खूबसूरत है, बिल्कुल गोल्ड के डिजाइन के हैं। इसमें भी माँ लक्ष्मी की देख सकते हो आप मूर्ति बनाई हुई है। तो ये हो गई, और ये थी सुखी ब्रांड की, इसकी भी क्वालिटी जो है इसकी अमेजिंग है। अब ओके, नेक्स्ट मेरे पास है ग्रीन कलर की रानी हार, जो कि पूरी कुंदन से बनी। इस तरह की आप देख सकते हो, पूरे बड़े बड़े कुंदन लगे हुए हैं, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। एंड नीचे के साइड में कुछ इस तरह की मोती लगाई हुई है, तो ये ब्राइड्स के लिए तो बहुत अच्छी है ही। साथ ही यदि आप हैवी साड़ी पहन रहे हो और पूरी चिपकू टाइप की, जैसे स्टेटमेंट पीस नहीं पहनना चाहते हो बट हैवी नेकलेस पहनना चाहते हो, तो इस तरह के हार आप पहन सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, रेड, मरून या फिर क्रीम कलर भी आप ले सकते हो। यहाँ मेरे पास जो है वो ग्रीन कलर में है, एंड इसकी भी साइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये भी है ब्रांड कैरेट कार्ड से, एंड इसमें आपको साथ में इयररिंग्स एंड मांग टीका भी मिल जाएगी। इयररिंग्स काफ़ी लंबे लंबे हैं आप देख सकते हो, मांग टीका भी सेम डिज़ाइन में मिल जाएगी। मांग टीका मुझे अभी मिल नहीं रही है, मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद है मेरे पास बैंगल्स। बैंगल्स में एक की साइज़ तो मुझे परफेक्ट आ गई, दूसरी की साइज़ छोटी पड़ गई है। ये देख सकते हो आप, ये आपको बैंगल्स मिल जाएंगे जिसमें मोती से, छोटे छोटे मोती से डिज़ाइन बनाई हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाई हुई है मोती की। तो मुझे ये वाले बैंगल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन मिल जाएंगे, 2-3 पिक्चर में ऐड कर दूँगी, उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है। सो इस तरह की बैंगल्स है जो बहुत ही खूबसूरत से मारवाड़ी लुक देते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट बैंगल, ये ज़्यादा प्राइस की नहीं है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, बट ये बहुत ही चीप प्राइस में मिले थे मुझे। सेकंड, मैंने इस तरह के सेट ऑफ फोर के, इसके सेट बनाने के लिए मैंने मंगवाए थे, ये आप देख सकते हो, इस तरह के पतले पतले मोती वाले चूड़ी आप बोल सकते हो, पतले पतले बैंगल्स है। तो मैंने सोचा था 3 का सेट बनाऊंगी, बट ये साइज़ में छोटे आ गए हैं, तो इसे मैं रिटर्न कर दूंगी, बिकॉज एक्सचेंज का ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये मैंने मंगवा लिया है, आई थिंक साइज़ दिया हुआ नहीं है गाइस, पर वो वाली साइज़ परफेक्ट आ गई, ये वाली साइज़ स्मॉल हो गई। ये वाले स्टेटमेंट पीस को भी आप यदि आप लेना चाहते हो, तो इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सभी की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, और भी दो सेट थे लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको उससे नहीं दिखाया है। जो मुझे अच्छे लगे हैं वही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो सभी के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी खासी ऑफ चलते रहती है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो, यदि आपको सही
कहीं रिजनेबल प्राइस लगे तो आप परचेस कर सकते हो। एंड ये जो सारे ज्वेलरी हैं, आप सोचते हो कि मैं इतने ज्वेलरी का क्या करती हूँ, तो मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ, मुझे फ्यूचर में सिर्फ वीडियो ही बनाने हैं और उसके लिए मैंने बहुत सारे माइंड में अपने आइडियाज़ सोच करके रखे हैं कि किस ज्वेलरी को किस तरह से स्टाइल करना है, ज्वेलरी कलेक्शन, फिर बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फ्यूचर में करनी है, उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं ले लेती हूँ। कुछ जो है मुझे बहुत सारे ब्रांड भी भेजते हैं, लाइक आप समझ सकते हो कि 40% ही मैं परचेस करती हूँ, 60% मुझे ब्रांड से आते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगते हैं उनके मैं रिव्यू करती हूँ, जो नहीं अच्छे लगते हैं नहीं करती हूँ। सो बस ऐसा कुछ है। एंड यस, मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए ज्वेलरी परचेस करते रहती हूँ, और ये सारे जो ज्वेलरी हैं वो आने वाले फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिया कि यदि आपको परचेस करने हैं तो आप अभी कर लो, क्योंकि अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं। बरसात में जो है ना, जो भी पुराने स्टॉक है उसे क्लियर करना रहता है सारे सेलर्स को, तो उस टाइम पर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चलते रहती है। फिर जैसे जैसे फेस्टिवल पास आएंगे तो न्यू कलेक्शन लॉन्च होगी और उस टाइम प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे, इसलिए अभी का टाइम बेस्ट है परचेस करने के लिए। एंड सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए। एंड फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।